हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हार्ट्रॉन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है हार्ट्रॉन रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 140 जूनियर प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका जिंद, झज्जर, पानीपत, सिरसा, नूह, पलवल और सोनीपत, हरियाणा होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो जूनियर प्रोग्रामर के लिए 3 वैकेंसी है, नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए 45 वैकेंसी है, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए 95 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI, क्लास 12th, डिप्लोमा, BCA, BSc, BA, BTech, MCA, MSc, PGDCA, PDCA, PGDIT या फिर APGDCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर प्रोग्रामर के लिए आपका डिप्लोमा, BCA, BSc, BA, BTech, MCA, MSc, PGDCA, PDCA, PGDIT या फिर APGDCA किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं नेटवर्किंग असिस्टेंट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, BCA या फिर BSc कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI या फिर क्लास 12 पास कर रखा है या डिप्लोमा, BSc, BCA या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो जूनियर प्रोग्रामर और नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए आपको मिल जाएगी 22,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपको मिलेगी 18,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं सेलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।